हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम बनाने जा रहे हैं चंद्रिका। बहुत ही प्यारी ड्रेस है। उस ड्रेस के मतलब कि चंद्रिका है। ड्रेस मैं आपको बाद में शो करूंगी, पहले चंद्रिका देखने आए हैं तो हम पहले चंद्रिका बनाएंगे। चंद्रिका बनाएंगे इस तरीके की। ये वायर ना आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मेरे पास काफ़ी सारे हैं। इसमें से एक निकाल लेते हैं हम इस तरीके से। इस तरीके से कटर, वो ये तो कटर है और ये है प्लास। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसकी हमें अब भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इधर रख देते हैं साइड में। और हम तार को, क्योंकि मूर्ति जो है 18 इंच की है, इसलिए हम इसे अंदाजे से, मुझे तो अंदाज़ा है, काफ़ी लंबा ले लेते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से फोल्ड फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से फॉलो कर देते हैं। इसके बाद ये हमने ग्रीन कलर की ड्रेस बनाई है, तो हमने ग्रीन कलर का एक लंबी पट्टी, काफ़ी लंबी पट्टी ले रहे हैं। उसको हमने इस तरीके से हल्का सा लगाया और लगाने के बाद इसे आराम से मोड़ लेते हैं। इसी जगह से हम पूरे में, ये पतली है उतने स्टैंड नहीं कर पाएगी सामान को, इसलिए इसे पे हम एक बार और कर लेते हैं। इसमें चाहे तो हम एक पट्टी कहते हैं किसी के और चीज़ की मोटे से की लगाने लगा सकते हैं, जैसे कॉटन भर लिया या कुछ और चीज़। ये देखिए इस तरीके से हमने ये मोड़ लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने रेडी कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसे इस तरीके से अपने सिर अनुसार मोड़ लेते हैं, जैसे राधा रानी का सिर होता है ना, हेयर बैंड होता है, हेयर बैंड इस तरीके से हम लोग सिर में लगा लेते हैं। ये आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसे हम बनाएंगे कंप्लीट, इसे हम करेंगे। इसके बाद ये जो लटकन है, बड़ी भी आती है छोटी भी आती है, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये मैं छोटी छोटी ले रही हूँ, तो इसको इन साइडों में, दोनों साइडों में लगा लेते हैं। इसके बाद ना चंद्रिका बड़ी ही प्यारी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। अब आप इसको अपनी मर्जी से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी ड्रेस जो है वो मोर के ऊपर बेसिक है, तो मैं उसी का ही सामान जो ड्रेस पे लगाया है वही सामान मैं इस पे लगाऊंगी। उसी के साथ तैयार हो रही है और एक एक आपको दिखाती चलती हूँ। ये हमारी कुछ पैचेस हैं इस तरीके के, ये देखिए आप देख रहे हो, इनको हम कट कर लेते हैं। ये देखिए दो हिस्सों में हो गया। अब इसको बहुत ही ध्यान से इस तरीके से लेंगे, ये देखिए इस तरीके से हम लगा देते हैं, देखिए। ठीक है, अभी मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। दोनों साइड लेना, दोनों साइड एक साथ ही। उससे क्या होगा, अगर जरा मरा सी कोई कमी होगी या कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आपका हैंडल हो जाएगा साथ के साथ ही। एक और लगा लेती हूँ उसी के जस्ट बराबर में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम लगाएंगे इस वाले बूटी को, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने लगा दिया। अब क्या है, ये हमें खाली खाली महसूस हो रहा है, तो इसे हमें भरना है। भरने के लिए क्या है, इसके ऊपर सामान लगाएंगे हम,
सबसे पहले हमें लगाना है छोटे छोटे नग। हमने ग्रीन कलर का यूज़ किया हुआ है स्टोन को, तो हम ग्रीन कलर का ही लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। इसके बाद पहले हम ना इस तरीके से यहाँ एक एक ये पैप्स होते हैं, पैप्स हम लगा लेंगे। ये पैप्स हमने जैसे अभी इनकी पत्तियाँ निकाल लेते हैं, पत्ती निकाल के और ज़्यादा अच्छे से लुक आता है इनका। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। फिर एक एक इनके बीच में जो गैप है, इन गैप में यहाँ भी एक एक लगा लेते हैं। इससे ड्रेस इसका लुक ना और हैवी हो जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। अब इसके बाद ये जो बीच में जो गैप बचा है, इसमें हम क्या करेंगे, ये वाले स्टोन जो रखे हैं इनको हम यूज़ करेंगे। इससे भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैं सब पे लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर चंद्रिका हमारी राधा रानी की तैयार हो चुकी है। जब इसे राधा रानी पहनेंगी तो बहुत ही प्यारी लगेंगी। इनको पहने हुए का लुक भी मैं आपको शो करूंगी, उसके लिए लेकिन अभी टाइम है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको ये दिखाया है कि चंद्रिका किस तरीके से बनती है और हम इसे बहुत अलग अलग स्टाइल में बना सकते हैं। ये ड्रेस है ये वाली, ये इस ड्रेस के ऊपर चंद्रिका जा रही है राधा रानी की। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हो, राधा रानी की ड्रेस है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। और इनकी चंद्रिका ये है, सुंदर सी प्यारी सी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको सिखा सकूं बनाना। और आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं। राधे राधे।